हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीए के बारे में, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस बढ़ा है कि घटा है या कांस्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली देखिए, डीए अभी 42% है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस 42% है। तो अभी कुछ न्यूज निकल के आ रहा है कि डीए बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4% बढ़ेगा, ठीक है, 4%। यानी अभी 42% है, बढ़ करके 46% होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबका अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि डीए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा आने वाला है। तो लोग सोच रहा है कि बोनस के साथ साथ डीए भी बढ़ जाए तो सैलरी कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जिसका जैसा बेसिक पे है उसके हिसाब से डीए बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा सैलरी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे एक न्यूज मिला है जिसमें ये बताया गया है कि डीए बढ़ेगा, ठीक है, 4% बढ़ेगा। तो उसका पूरा बायोडाटा इधर बता देते हैं कि ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए और पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यूनियन कैबिनेट में अप्रूव 4% इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फ्रॉम जुलाई 2023, ठीक है। जुलाई 2023 से 4% इंक्रीमेंट होगा डीए में, ठीक है। कौन? यूनियन कैबिनेट जो होता है वो लोग डिसाइड करते हैं कि डीए बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है, या फिर सेम रखना है। तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि 4% बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो 4% बढ़ने का बहुत ज्यादा संभावना है, 99% चांस है कि 4% बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा डीए बढ़ ही रहा है। अभी तो कोई नेचुरल कैलामिटीज नहीं आया, न डिजास्टर नहीं हुआ है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्री में, तो डीए क्यों कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा? महंगाई तो हमेशा बढ़ ही रहा है, तो डीए क्यों नहीं बढ़ेगा? डीए भी बढ़ेगा, ठीक है, 4% प्रोबेबिलिटी है। और भी आगे देखिए, 4% इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस फ्रॉम जुलाई 2023, द यूनियन कैबिनेट इज एक्सपेक्टेड टू अप्रूव द इनहांसमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस बाय 4% फ्रॉम जुलाई 2023। वही सेम चीज है कि 2023 से यूनियन कैबिनेट 4% का डियरनेस अलाउंस बढ़ाने का मूड में है, ठीक है। This approval is usually given by the Cabinet Committee of Economic Affairs in the second week of September, based on the average AICPIN for industrial worker for the previous 12 months. मतलब बोल रहा है कि ये सितंबर के सेकेंड सप्ताह तक में declaration हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका news completely मुझे पता नहीं चला है, लेकिन ये news 100% सही है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था और इस साल भी यही चीज हो रहा है, ठीक है। तो डियरनेस पक्का बढ़ेगा, डियरनेस अलाउंस पक्का बढ़ेगा। और यहाँ जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है उसके हिसाब से, और 12 मंथ्स का जो देखा जाता है कि कितना महंगाई बढ़ा है नहीं बढ़ा है, तो उसके हिसाब से एवरेज निकाल करके बताया जाएगा कि हाँ डियरनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। द करेंट रेट ऑफ डीए इज 42% एंड विद द प्रोसेस्ड इंक्रीज इट विल बी रेस्ड अप टू 46% फ्रॉम जुलाई 1, 2023। दिस हाइक इन डीए इज एम एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर एंड कंसिडरिंग द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब बोल रहा है कि अभी 42% है और इसका प्रोबेबिलिटी 46% होने का संभावना है, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ता ही जा रहा है, जिसके वजह से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, चाहे फिर पेंशनर है, तो वो लोग को भी इस सब चीज से गुजरना पड़ रहा है, महंगाई उनको झेलना पड़ रहा है, कंट्री में जो महंगाई बढ़ रहा है, तो वो सब चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट को तो सैलरी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो सैलरी तो बढ़ नहीं रहा है, तो आपको महंगाई भत्ता बढ़ा रहा है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस बढ़ा रहा है। जैसे कोई जो इम्प्लॉय करंट में काम कर रहे हैं तो उसको डीए मिलता है, और जो ऑलरेडी पेंशन पा रहा है उसको डियरनेस रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो सेम ही परसेंटेज रहता है, यानी करंट एम्प्लॉय को 46% अगर मिलेगा डीए, तो पेंशनर को भी 46% डीआर मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है, डीए और डीआर में अंतर है, ठीक है, मामला एक ही चीज है। द डीए फॉर्मूला टेक्स इनटू अकाउंट द एवरेज ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर AICPIN फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई ऑफ द प्रीवियस ईयर टू जून ऑफ द करेंट ईयर। मतलब पिछले साल का जो जुलाई है और जून का जो 2023 का जो जून है, तब से लिया गया, ठीक है, 12 मंथ्स का ये AICPIN ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर AICPIN का के अकॉर्डिंगली जो एवरेज निकाला जाता है, पिछले साल का जो
जुलाई था और इस साल का जो जून है एक साल का निकाला जाता है कि कितना महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो वहां से डिक्लेरेशन होता है। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट अ 4% इंक्रीज इन डीए इज नेसेसरी टू मेंटेन पैरिटी विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब जो अभी महंगाई बढ़ रहा है उसके हिसाब से 4% का डीए बढ़ना जरूरी है, डीए या डीआर बढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इम्प्लॉय को अपना फैमिली मेंटेन करना पड़ता है सारा चीज, जो पेंशनर है उनको भी फैमिली को देखना रहता है, उनका फैमिली चलाना रहता है, तो महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो वहां से कहां से कर्टेल होगा ये सब चीज को, तो यहीं से आपको डीए या डीआर बढ़ा करके देगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अप्रूव दिस डीए हाइक इन द अपकमिंग कैबिनेट मीटिंग विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड दिस वीक। Once approved, the increased DA will benefit millions of government employee and pensioner across the country. मतलब इसी सप्ताह कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो मीटिंग करेंगे कि DA या DR बढ़ाएंगे कि नहीं। अगर वो बढ़ाएंगे तो बढ़ाना चाहिए, ठीक है, बढ़ाएंगे पक्का बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी हम वीडियो बनाए थे DA DR पर, तो पिछले साल भी बढ़ा था और हर जब भी हम वीडियो बनाते तब भी बढ़ता है, तो इस बार भी 100% तो चांस नहीं बता रहे हैं, 95% से ऊपर चांस है कि इस बार भी डीए या डीआर बढ़ाएगा। अब वो 4% प्रोबेबिलिटी है बट 3% भी बढ़ा सकता है, ठीक है, तो अभी 42% है, तो अगर 3% बढ़े तो 45% हो जाएगा, 4% बढ़ाए तो 46% हो जाएगा। सुने हैं कि 50% तक जाने पर कुछ न कुछ चेंजेस लाया जाएगा, मतलब जैसे कि बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, जैसे 8 पे कमीशन ईयर का भी मामला चल रहा है, अभी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली सैलरी मिल रहा है, तो फिर धीरे धीरे बढ़ भी सकता है, ठीक है, तो ये सब चीज चल रहा है, तो आप लोग को अपडेटेड रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, हम अच्छे से न्यूज को कवर कर रहे हैं, आप लोग के सामने ला रहे हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे कि आप लोग के लिए जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए हर आदमी ऑनलाइन एक्टिव नहीं रहता, सबको अपना अपना काम करना रहता है, तो कहीं ना कहीं से अगर उसको न्यूज पता चल जाएगा तो एक घर में जो फैमिली में जो खुशी आता है वो अलग ही हो जाता। जो आप लोग इम्प्लॉई है काम करते भर दिन डिपार्टमेंट में रह करके, तो जब ये सब चीज गुड न्यूज जब आता है तो आप लोग को एक अलग ही खुशी मिलता है, ठीक है, तो ये खुशी आप लोग को मेंटेन बना रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे आप लोग के सामने बहुत ही अच्छा दमदार वीडियो ला करके आप लोग को मोटिवेट करते रहे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद।